और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी, राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये बड़ी खबर, हर दिन 25 किलोमीटर की ये पद यात्रा होगी और जानकारी 3500 किलोमीटर का सफर जो है वो तय किया जाएगा। तो आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जानकारी आपको दे दें, कन्याकुमारी से ये यात्रा की शुरुआत कश्मीर तक जाकर रुकेगी और राहुल गांधी का नेतृत्व इस महाअभियान की ओर रहेगा। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये कितनी संजीवनी साबित होती है यात्रा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस किस तरीके से लोगों से जुड़ पाती है, जनता से जुड़ पाती है, देश में कांग्रेस का जो अभी स्थिति बनी हुई है वो किस तरीके से सुधर पाती है और इसकी जो शुरुआत है वो दरअसल दक्षिण भारत से की गई है। तो बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसका आगाज जो है वो आज से होने जा रहा है, जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसका आगाज होने जा रहा है, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए कितना वरदान साबित होती है ये यात्रा और लोगों से जुड़ने का ये जो कार्यक्रम है कांग्रेस का वो कितना सफल हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आपको बता दें कि आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है आज। और आज कन्याकुमारी से आपको बता दें कि इस यात्रा का आगाज जो है होने जा रहा है, जनता टीवी की टीम भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो कि आप तक तमाम जानकारियां अपडेट के साथ पहुंचाएगी। स्पर्श शर्मा जो कि कन्याकुमारी में मौजूद है जहां से आगाज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का होने जा रहा है। स्पर्श, क्योंकि इस यात्रा का आगाज तो होने जा रहा है लेकिन लोगों से जुड़ाव कांग्रेस का ये किस तरीके से देखने को मिलेगा इस यात्रा के दौरान? देखिए बिल्कुल, अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो आप पूरे देश भर में ये यात्रा चलती हुई नजर आएगी अंजलि। आप 3500 किलोमीटर, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर कांग्रेस अपना जो संपर्क कार्यक्रम है वो करती हुई नजर आएगी। लोगों की जो समस्याएं हैं वो इस यात्रा के माध्यम से सुनती हुई नजर आएगी और राहुल गांधी आज अलग अलग जगहों पर जो विजिट है वो करते हुए नजर आएंगे और एक औपचारिक रूप से आज शुभारंभ है वो शाम को जो है इस यात्रा का कहा जा सकता है। हालांकि आज पैदल यात्रा चलने का जो कार्यक्रम है वो आज फिर आपसे जुड़ेंगे। स्पर्श माफ कीजिएगा, फिर आपसे जुड़ेंगे। 1974 सो सेल्फ रिलायंस goes back to the beginning of planned development in 1950. So I think, you know, the Assam chief minister is boyish, he is immature, and he makes statements only to prove his loyalty to his new masters. चलिए, जयराम रमेश को आपसे यहाँ पर सुन रहे थे और जाहिर तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी और राहुल गांधी के साथ, क्योंकि अभी हमने देखा था रामलीला मैदान पर भी वो मौजूद थे और जाहिर तौर पर पूरा जिम्मा जो है उनकी तरफ से संभाला गया था। स्पर्श, संवाददाता लगातार हमारे साथ कन्याकुमारी से बने हुए हैं इस खबर पर भी। स्पर्श, अभी जयराम रमेश को भी सुन रहे थे, तैयारियां अंतिम दौर पर है, आज से इसका आगाज होने जा रहा है, अपनी बात पूरी कीजिए आप। बिल्कुल, देखिए तैयारियां अंतिम दौर में है और शाम को 5 बजे ये कहा जा सकता है कि औपचारिक रूप से आरंभ इस यात्रा का होता हुआ नजर आएगा। हालांकि आज पैदल चलने का जो कार्यक्रम है वो नहीं है, कल से पैदल चलने का कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा। सुबह 8 बजे के आसपास ये पैदल चलने का कार्यक्रम शुरू होगा और दोपहर में 10:30 बजे तक जो है पैदल चले जाएंगे और उसके बाद दोपहर की बात करें तो 3:30 बजे से शाम को 7-7:30 बजे तक पैदल चलने का कार्यक्रम है। लगातार 22 किलोमीटर प्रतिदिन कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है कि पैदल जो है यात्री
जो भारत जोड़ो यात्रा में जो है सफर करेंगे वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। मेरे पीछे तस्वीरें हैं कुछ कन्याकुमारी की, ये भी हम दिखाते रहे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचना जो है शुरू हो चुके हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए, और आज शाम को जो कार्यक्रम रहने वाला है औपचारिक रूप से इस यात्रा का शुभारंभ का, उसमें तमाम जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वो आज शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के जो अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर शिरकत करते हुए जो है नजर आएंगे। यानी एक औपचारिक रूप से जो शुभारंभ है वो इस भारत जोड़ो यात्रा का देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। अब इस भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को किस तरीके से फायदा होगा, बीजेपी किस तरीके से इस पर निशाना साध रही है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को लगातार जो है मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो आज राहुल गांधी है वो अलग अलग जो मेमोरियल्स होते हैं, चाहे वो राजीव गांधी मेमोरियल की बात करें, विवेकानंद मेमोरियल की बात करें, उनकी विजिट जो है आज करते हुए जो है नजर आएंगे। और शाम को 5 बजे इस भारत जोड़ो यात्रा का जो औपचारिक रूप से शुभारंभ है वो भी होता हुआ जो है नजर आएगा पब्लिक मीटिंग के द्वारा। बिल्कुल, और स्पर्श क्योंकि ये एक जरिया लोगों से जुड़ने का, देश की जनता से जुड़ने का तो कांग्रेस का है, जो कि ये मानकर कांग्रेस चल रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आगे आने वाले चुनावों को लेकर या लक्ष्य 2024 को लेकर किस तरीके से ऊर्जा भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए, इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए सबसे पहले 2024 के संदर्भ की बात करते हैं तो कांग्रेस इसको ये कह रही है कि हम अलग अलग जो मसले आम आदमी से जुड़े हुए हैं उसको उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी और रोजगार की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, महंगाई की बात करें, ये तमाम मसले कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाती हुई नजर आई। खासतौर पर तमाम देश एकजुट रहता हुआ नजर आए जो है ये कांग्रेस जो है इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो संदेश है वो देना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में और कौन दल शामिल होता हुआ क्या आने वाले समय में नज़र आएगा, नहीं आएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। या फिर कांग्रेस अकेले एकला चलो की राह पर जो है 2024 में चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार अलग अलग नेताओं से मिलने की कोशिश जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर संदर्भ में बात करें तो राहुल गांधी इस पूरी यात्रा के दौरान जो है रहने वाले हैं, और इस पूरी यात्रा के दौरान से संदर्भ ये हो जाता है कि जब राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान रहेंगे तो वो किस तरीके से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या फिर किस तरीके से जो आज लोगों के बीच में जाते हुए जो है नजर आएंगे, किस तरीके से अलग अलग प्रदेश यूनिट्स से जो है मिलते हुए नजर आएंगे, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण रहेंगी। इस बीच संगठन के चुनाव हो जाएंगे, संगठन के चुनाव में किस तरीके से जो अलग अलग नेताओं की इच्छा निकल कर सामने आती है, ज़्यादातर नेता कहते हैं कि राहुल गांधी को जो है अध्यक्ष जो है बनना चाहिए, तो उनके इतर अगर कोई कांग्रेस परिवार से नहीं अगर अध्यक्ष बनता है तो कौन वो चेहरा हो सकता है, ये तमाम चीज़ें अब 2024 से पहले कांग्रेस एक बड़ी लकीर खींचती हुई जो है नजर आएगी। क्या गांधी परिवार बनेगा, गांधी परिवार के इतर बनेगा, अध्यक्ष को लेकर भी, क्योंकि बीजेपी निशाना साधती है कि अध्यक्ष जो है हमेशा गांधी परिवार का ही देखने को मिलता हुआ नजर आता है, तो तमाम चीज़ें हैं। अब कांग्रेस इस तमाम चीज़ों को किस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले मैनेज करती हुई नजर आएगी, ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। बिल्कुल, और भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पर स्पर्श करें, राहुल गांधी का इस पूरी यात्रा के दौरान कैसा रहन सहन होगा, किस तरीके से वो आम पब्लिक से मिलेंगे, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जानकारी ये भी है कि इस पूरी यात्रा के दौरान वो किसी 5 सितारा होटल में नहीं रुकेंगे, उनके लिए एक कंटेनर में एक पूरा आशियाना जो है वो बनाया गया है जिसमें पूरी यात्रा के दौरान वो रहने वाले हैं, और खाना पीना भी साधारण तौर तरीकों से ही बनाया जाएगा जो उनके साथ चल रहे वर्कर्स बनाएंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रारूप रखा गया है कि वो दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू होती हुई नजर आएगी और कश्मीर तक ये जो है बढ़ती हुई नजर आएगी, 12 राज्य जो है कवर करेगी, दिन प्रतिदिन 20-22 किलोमीटर की जर्नी जो है करती हुई नजर आएगी, उसमें आम आदमी से किस तरीके से जुड़ा जा सकता है, आम आदमी से किस तरीके से कनेक्टिविटी की जा सकती है, आम आदमी के बीच में रहकर किस तरीके से कनेक्टिविटी की जा सकती है, इसकी तैयारी कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है करती हुई नज़र आ रही है। इसमें राहुल गांधी जो है वो पैदल चलते हुए भी जो है नज़र आएंगे, इसके अलावा आम आदमी से जुड़ाव जो है वो करते हुए नज़र आएंगे, अलग अलग जो सोसाइटीज़ होती है समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए, उन सोसाइटीज़ से जो है राहुल गांधी जो है देश भर में मिलते हुए नजर आएंगे, ताकि एक कनेक्टिविटी बनाई जा सके। जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस पर आरोप लगता है कि कांग्रेस जनता के बीच में जो है नहीं उतरती है, जनता के बीच में कांग्रेस की जो कनेक्टिविटी है
वो खो चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें अब किस तरीके से राहुल गांधी मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि एक लंबी यात्रा है, अब 3500 किलोमीटर की यात्रा है, 150 दिन जो है यात्रा में रहेंगे, कई ऐसे चुनावी राज्य भी इस यात्रा में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें वो जो है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, हरियाणा से यात्रा अम्बाला से होती हुई जो है नजर आएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस करना चाहती है। अब प्रोडक्टिविटी इस यात्रा की कितनी निकलकर सामने आती है, कितना फायदा आने वाले समय में इस यात्रा के माध्यम से जो है कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा, ये चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन इस ओर बीजेपी लगातार इस यात्रा को लेकर निशाना जो है साधती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की जिस तरीके की विचारधारा है उसके विपरीत ही जो है हम ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी महात्मा गांधी मंडपम में जाएंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्हें तिरंगा झंडा सौंपेंगे, जिस को इस तिरंगे को लेकर राहुल गांधी आगे चलेंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। मैं एक बार अगर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे दूं तो जो 3:25 से कार्यक्रम शुरू होने वाला है वो विवेकानंद स्मारक का दौरा जो है राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो विवेकानंद स्मारक है वो जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आता है। इसके बाद लगभग 4 बजे के आसपास जो कामराज मेमोरियल है वहाँ पर राहुल गांधी जाएंगे। 4:30 बजे महात्मा गांधी मंडपम में प्रार्थना सभा का आयोजन जो है किया गया है। गांधी मंडपम में ही जो राष्ट्रीय ध्वज वितरण समारोह है वो जो है यहाँ पर जो है किया गया है। इसके अलावा जो शाम की अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने को लेकर एक औपचारिक रूप से बैठक जो है वो कहीं ना कहीं होती हुई जो है नजर आएगी। तो ये कुछ कार्यक्रम जो है आज के देखने को जो है मिलते हुए अंजलि नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पड़ाव यहाँ पर रहने वाले हैं राहुल गांधी के इस यात्रा से पहले के, लेकिन स्पर्श यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की जो टाइमिंग है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से भी कि वो उनका कहना है कि हम जमीन टटोल रहे हैं, भारत को एकजुट कर रहे हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि राहुल गांधी जब पूरी भारत यात्रा करके लौटेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनका एक जिक्र जरूर रहेगा कि मैं भारत के लोगों से जुड़कर आया हूं, ना कि, क्योंकि इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि रेडियो पर बात करके मैं नहीं कह सकता या टीवी पढ़ के मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों से जुड़ के आया हूं, इस बात का जिक्र होगा राहुल गांधी के वक्तव्य में। अपनी किस तरीके से बात रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं, चाहे बेरोजगारी महंगाई इस तमाम मसले की बात करें। इस बीच हमने देखा कि ईडी का शिकंजा भी जो है कसता हुआ पिछले दिनों नजर आया था, तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है ये राहुल गांधी जो है कह रहे हैं, समाज को जो है कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है ये राहुल गांधी जो है सीधे तौर पर जो है कहते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। हम एक बार नीचे अगर दिखाएं कि किस तरीके से कुछ जो नेता है वो भी यहाँ पर जो है पहुंचे हैं, हालांकि ज्यादातर नेता जो है वो शाम के जो कार्यक्रम है उसमें जो है शिरकत कहीं ना कहीं जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। तो फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं वो इस संदर्भ में जो है पूरी तरीके से कर ली गई हैं कि जो यात्रा है उसको किस तरीके से जो है शुरुआत करवाया जाए, क्योंकि एक बड़ी यात्रा है और इस तरह की यात्रा जो है करवाना अपने आप में कठिन कार्य जो है कहीं ना कहीं होता हुआ जो है नजर आता है। तो फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं, मुख्यमंत्रियों की बात करें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की बात की जाए, एक जानकारी ये भी है कि हो सकता है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपसे कुछ ही देर बाद करते हुए जो है नजर आ सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रारूप क्या है और उसके साथ साथ इस भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो किस तरीके से कांग्रेस के लिए देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए स्पर्श, आपसे आगे भी इस यात्रा से जुड़ी हर अपडेट हम लेते रहेंगे। अपने दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पर्श संवाददाता कन्याकुमारी में मौजूद हैं, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आज शाम को होने जा रहा है।